अपॉइंटमेंट है, कल मुझे जाना था, कल डॉक्टर साहब थे नहीं तो मैं जा नहीं सकती है। बस अब हम जा रहे हैं, फाइल्स मैंने उठा ली है, बुक तक कोई भी नहीं आया, क्या है पता नहीं कहाँ है। जाओ फातिमा को पिक करने आए। हॉस्पिटल में पहुँच गई थोड़ा सा लेट, शॉप देखूंगी उसके बाद बताऊंगी कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो इस शॉप पे बड़ा मज़े का मेकअप है, आपको मैंने देखा है चीज़ों में कीमत में खासा डिफरेंस है यहाँ पे। अब बाहर निकल आए हैं, बल्कि इनफैक्ट हम घर जा रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि जी आप अपनी डेली रूटीन शेयर किया करें कि आप जो है आपकी डेली रूटीन क्या होती है। तो डेली रूटीन बस यही है कि थोड़ी देर पहले हम सो के उठे हैं, लेट उठ रही हूँ, आजकल काम पर नहीं जा रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मैं न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी तबीयत मेरी जब ख़राब हुई तो उसके बाद थोड़ा सा गैप ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली रेस्ट का कहा था कि मैं कम्प्लीटली रेस्ट करूँ। आज भी मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ, ऑलअप मेरा अभी भी चल रहा है, मेडिसिन पर मैं अभी भी हूँ, तो प्रॉपर जो है अभी ट्रीटमेंट हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है लंग्स का इशू है, तो उसको वैसे तो अपेरेंटली आप मैं देख रहे हैं, मैं बोल भी ठीक रही हूँ, सब कुछ ठीक है, और मतलब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं है, बट इनसाइड देयर इज़ समथिंग। मतलब अभी इन्फेक्शन है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और आज बस मेरा जो है वो अपॉइंटमेंट है। कल मुझे जाना था, कल डॉक्टर साहब थे नहीं तो मैं जा नहीं सकी है टाइम पर। पता चला अक्सर यही होता है कि जो मेरे डॉक्टर हैं ना वो बैठे नहीं होते, और बस फिर मुझे वापस आना पड़ता है। बस अब हम जा रहे हैं, फाइल्स मैंने उठा ली है, बुक भी उठाई है, बुक जो है कोई भी नहीं आया, क्या है पता नहीं कहाँ है। जाओ बुला के लाओ। इब्राहिम के साथ एक और बच्ची को भी पिक करना। कौन है वो? फातिमा। फातिमा, फातिमा को पिक करने आए हैं ये। फातिमा को भी इसके साथ ट्यूशन ड्रॉप करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। आप दोनों क्लास फेलो हैं? हाँ। अच्छा, सब ट्यूशन जा रहे हैं। दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, इब्राहिम या फातिमा? हाँ, दोनों बराबर हैं, यानी दोनों नहीं है। हॉस्पिटल में पहुंच गई थोड़ा सा लेट, डॉक्टर के पास मैं आ गई हूँ, अभी थोड़ा लेट हुई हूँ तो टाइम लगेगा। अभी मैं बैठी वेट कर रही हूँ, तब मेरा नंबर आएगा और फिर मैं जाऊँगी, फिर देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। एक्सरे देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है नहीं, वैसे तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट आई है, तो देखते हैं क्या डॉक्टर क्या बताते हैं। तो जी चेकअप भी हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अभी फिट है माशाल्लाह, और थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया था, उसकी एक्सरसाइज की मैंने परमिशन ली है, मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज करें और डाइट अभी फिलहाल नहीं करनी, खाना पीना अपना अच्छा ही रखना है, और 3 महीने के बाद मुझे फॉलोअप के लिए आना है। बाकी सब ओके की रिपोर्ट है, बच्चों को भी चलते हैं यहाँ से। हॉस्पिटल से तो मैं फ्री हो गई, अब मैं आई हूँ सेंटर प्लाजा। सेंटर प्लाजा में क्यों आई हूँ ये तो मैं आपको अंदर जाके ही ना शॉप देखूंगी उसके बाद बताऊंगी कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो अब मैं जा रही हूँ सेंटर प्लाजा के अंदर, ये यहाँ मुझे अभी तो बैग नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग बैग्स, और मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे। तो पूरा एक मॉल है ये देखें, बस अब चलते हैं सेकंड फ्लोर। ये मॉल मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊं, देखें जी यहाँ मैं खुद पहली दफा आई, सेंटर प्लाजा ये सदर में है। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ ये? अच्छा जी ये देखें जी, यहाँ पर
सारा ब्रांडेड मेकअप जो कि आपको कम कीमत में मिलेगा। तो ये है सेंट्रल प्लाजा में ये शॉप नंबर 82। ये देखें जी डिफरेंट मस्कारा, बड़ी अच्छी शॉप लग रही है। तो मैं देखूंगी यहाँ कुछ चीजें और ये देखें जी तो इस शॉप पे बड़ा मजे का मेकअप है। ये इतना प्यारा मेकअप, एक मिनट रुको, ये जरा पकड़ना मैं लिपस्टिक लगाऊं। बड़ा प्यारा कलर है, बहुत अच्छा सामान है। यहाँ आप आए यहाँ सेंट्रल प्लाजा में विजिट करें, आपको एक से एक ब्रांडेड चीज यहाँ मिलेगी। ये देखें जी ये सब क्या है, ये लारोज पोसे। ये देखें जी ये भी सारा ब्रांडेड आपके क्लेंजिंग ऑयल है, मेकअप रिमूवर्स हैं, एस्टी लॉडर का बिल्कुल ओरिजिनल स्किन केयर यहाँ पे मिलेगा। और ये कहीं बाम है, ये बाम हाइलाइटर है, ये देखें जी बाम के हाइलाइटर भी हैं। और ये सब के सब ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और ये मुझे याद है मैं तो ये टर्की से लेके आई थी, इनके पास भी है मेकअप फिक्सर है, ये स्मैश बॉक्स हाइलाइटर है, लिपस्टिक है, एक से एक ब्रांड स्मैश बॉक्स के भी भाई यहाँ पे। स्मैश बॉक्स के लिप प्रिंट है आपके पास, ये मार्क जैकब सब मिलेगा आपको, सब मदीना मॉल आप आए और यहाँ शॉप नंबर मदीना सेंटर, ठीक है जी, सेंट्रल प्लाजा सदर में है, गुल प्लाजा के करीब, ठीक है। आपने यहाँ आना है, यहाँ आपको हर चीज मिलेगी मेकअप। ये देखिए ये टार्ट का है सब कुछ, मैं अपना फेवरेट मस्कारा जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रहा था, ये है वेटल वाइल्ड का 3 in 1। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। ये देखें जी यहाँ घर के इस्तेमाल की चीजें, छोटी मोटी सी, ये तो सारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं चाहिए। ये कप देखें, ये भी अच्छा लग रहा है। ये वाइपर ले लिया, बस अब वाइपर फाइनल हो गया, बस अब यहाँ से भी निकलेंगे। यहाँ से सामान जो मुझे थोड़ा बहुत लेना था ले लिया है, और किसी दिन मैंने यहाँ पे सुकून नहीं चाहूँगी जब मेरे पास टाइम नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ये बहुत घूम फिर कर देखने वाली मार्केट है, होल सेल मार्केट है। आपको मैंने देखा है चीज़ों में कीमत में खासा डिफरेंस है यहाँ पर, तो जब मैं फ्री होंगी तो फिर मैंने यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाऊँ। अच्छा जी तो ये बाजार, ये बच्चों के ड्रेसेस, सारा ये होलसेल। अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें वापस जाना है, तो बस अब हम नीचे जा रहे हैं और वापस यानी घर, तो फिर आएंगे इंशाल्लाह जब टाइम होगा। ये देखो हाँ, तो हम सेंट्रल सिटी मॉल से अब बाहर निकल आए हैं, बल्कि इनफैक्ट हम घर जा रहे हैं। सदर का ये इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त बहुत जैम होता है, और जो मेरे डॉक्टर हैं वो भी इसी तरफ होते हैं, इसलिए हम उधर मॉल भी चले गए और बहुत कुछ देखा। टाइम कम था इसलिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिए, एक शू रैक लिया है, वो भी जब मैं उसको उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी और उसको जब प्रॉपर सेट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि 950 रुपये में वो मुझे मिला है, बहुत ही सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं। अक्सर हम ऑनलाइन भी आजकल वो मैं बहुत देख रही हूँ। तो बस अब हम घर जा रहे हैं और आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे फ़ोन अपना अंदर बैग में रखना है, ये एरिया ठीक नहीं है, तो बस अब घर जाते हैं। रात तो इसी में हो गई, इसी तरह पूरा दिन गुजर गया मेरा, कि उठे नाश्ता किया, फिर खाना तो मैंने खाया नहीं आज, और डॉक्टर की तरफ आ गया, और जो भी एक्टिविटी रही वो मैंने आप लोगों से शेयर की। बस अब घर चलते हैं और आपको करते हैं टाटा, बाय बाय, टाटा।